Ma'am, please try and understand. They're very sweet and innocent people. And like every other parent, उनका भी बस एक ही ड्रीम है कि अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ने भेजें. And सिर्फ उसी ड्रीम के कारण. उसी ड्रीम के लिए स्कूल को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके सो कॉल्ड स्वीट एंड इनोसेंट पीपल. नो नो सर, इट्स नॉट लाइक दैट. वो तो फिर वो खुद बेवकूफ हैं एंड इन बोथ केसेस वी कैन नॉट एडमिट द चाइल्ड. सर प्लीज ट्राई एंड लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट. मिस मायरा, आई एम द वाइस प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल. सूनर यू अंडरस्टैंड द बेटर. आई एम सॉरी सर, आई डिड नॉट मीन टू. I honestly, truly believe that Aman deserves a chance. Myra, school एक educational institution के साथ साथ एक business organization भी होता है. And like all other business organizations, we also have our competitions with other schools. Agreed, ma'am. But what if we make this rock kid shine? हो सकता है हमारे स्कूल की रेपुटेशन इससे बढ़ जाए. रेपुटेशन मिस मायरा, रेपुटेशन स्कूल की ऐसी है कि यहाँ पे शहर के क्रीमी लेयर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं. हमारा फिल्टर इतना स्ट्रांग है कि उसमें से बहुत बच्चों को सीट नहीं मिलती. हम उनको क्या जवाब देंगे? एडमिन कोटा मैम, अगर एडमिन कोटा से मेरे नाम से एक सीट अमन को दे दी जाए तो आई एम श्योर दिस कैन बी वर्कड आउट. And I take full responsibility of Aman. I will personally look after him. Miss Myra, why don't you understand? वो बच्चा हमारे स्कूल के स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करता और कोप अप करने के लायक भी नहीं है. Sir, हमारे पास अभी फोर्थ स्टैंडर्ड में एक सीट खाली हुई है. Right to education quota में below poverty line. अगर हम उस सीट को general quota, I mean regular fees में fill कर लेते हैं तो ये हमारे स्कूल के लिए भी अच्छा होगा और मिस मायरा जो बोल रही हैं उसके लिए भी. मैम, दैट्स अ पॉसिबिलिटी, प्लीज कंसिडर. ओके, वी कैन कंसिडर द चाइल्ड फॉर स्टैंडर्ड फोर्थ, बट ओनली इफ द पेरेंट्स एग्री. थैंक यू मैम. दिस इज अ जोक. नहीं, पर 2 साल पीछे जी. स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत मुश्किल से इसके लिए मनाया है. उन्हें लगता है कि अमन के पिछले स्कूल की पढ़ाई का स्टैंडर्ड इस स्कूल को मैच नहीं करता, इसलिए क्लास फोर्थ. कोई ना जी, दो पैर कट तुरना पर तुरना मड़कते नाल. मेरा पुत 2 साल बाद अफसर बन जू, तुसी दे दो एडमिशन. ओके, ये फॉर्म जाके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सबमिट कर दीजिए, वो आपको पूरा फीस स्ट्रक्चर समझा देंगे. वैसे कितनी फीस होती है जी अपनी? 2.5 lakhs. है जी? 2.5 lakh. 2.5 lakh? वो 10वीं तक दी होनी है ना जी? नहीं, 1 साल की है. 1 साल दी जी? हाँ जी. चंगा जी, चलो दस दें जी. बाय चैंप. बाय जी. ठीक है.